मेरे राइट हैंड साइड में जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये सारा है क्रीम्स और ड्रॉप्स का। ड्रॉप्स कौन से? तो आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप और नेजल ड्रॉप। आज हम एक ऐसे खास आई ड्रॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी ड्राई आंखों को मॉइस्चराइज कर देता है। अगर आपकी आंखें ड्राई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके बॉडी में ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और नाजुक होते हैं। मैं आंखों के बारे में बात कर रहा हूँ बस। तो हाँ, आपकी आंखें बहुत ज्यादा नाजुक होती है और इन्हें तकलीफ देने वाले एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हुआ, या बहुत ज्यादा समय के लिए बाइक पे घूमना हुआ, या फिर तेज धूप हो, या मोबाइल टेलीविजन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप बहुत ज्यादा बैठ गए, या कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी आंखों में चली जाए, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, या हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वायरस आपकी आंखों में इन्फेक्शन छोड़ जाए, या कोई एलर्जिक चीज जैसे कि फंगस आपकी आंखों को नुकसान दे जाए। तो ऐसा केस में आपको हो सकता है आपकी आंखों में डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन वाली फीलिंग आ जाए, और हो सकता है कभी कभी पफीनेस आ जाता है। तो पफीनेस और डार्क सर्कल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में मैं उसकी लिंक मेंशन कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों के ड्राइनेस को लेकर। आंखों में ड्राइनेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो ऐसे केस में आपके काम आ सकता है ये मॉलिक्यूल जिसका नाम है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। इसके बारे में कुछ बताने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूं, तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसलिए इसे ओवर द काउंटर खरीदने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके लीजिए, वो आपकी आंखों को एग्जामिन करेगा, और अगर आपको जरूरत है तो डेफिनेटली इसे आपको सबसे पहले आपको यही ड्रॉप प्रिस्क्राइब करेगा। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक सेल्यूलोज डेरिवेटिव है, यानी कि एक पॉलीमर है जो कि आपकी आंखों में लुब्रिकेंट का काम करता है। अब लुब्रिकेंट क्या होता है? तो यहाँ पर जॉइंट में कुछ किस्म के ऑयल्स होते हैं जो इस जॉइंट को खराब नहीं होने देते, बिल्कुल उसी तरह आपकी आंखों को ऑर्बिट में सेफ रखने के लिए ये लुब्रिकेंट काम में आता है। ये आपकी आंखों को एक किस्म से लेमन लैंग्वेज में बोले तो मॉइस्चराइजर के तौर पे काम में आता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक सिंपल सा केमिकल है, बिल्कुल पानी की तरह एकदम माइल्ड है, इसका पीएच वेल बैलेंस्ड है। हाँ, हो सकता है कि इसके वजह से आपकी आंखों में ठंडक ना आ जाए क्योंकि इसमें मेंथॉल नहीं है, लेकिन ये इसका काम बहुत बखूबी से करता है, आपकी आंखों को अच्छे तरीके से ये लुब्रिकेट करता है लिटरली। इसे यूज करना शुरू करने के बाद भी अगर 7 दिन में आपको रिलीफ ना मिले तो हो सकता है आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे कुछ स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स, जैसे भी आपकी नीड हो, ताकि आपकी जो तकलीफ है वो जल्द से जल्द हील हो जाए। कभी कभी बिना किसी वजह के आपके आंखों में इरिटेशन और ड्राइनेस रहती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई फॉरेन बॉडी नहीं होती, कोई इंजरी नहीं होती है, बट स्टिल आपकी आंखों में ड्राइनेस आपको फील हो रही है, कुछ इरिटेशन फील हो रहा है। तो ऐसे केस में इन ड्रॉप्स के साथ साथ डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ कैप्सूल्स, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में मैं मेंशन कर रहा हूँ उसकी लिंक, एक बार जाके देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है। इन ड्रॉप्स को यूज करने से पहले आपको 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो ये है कि ये एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये लिक्विड हम अपनी आंखों में डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही नाजुक बात होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपने इसे पंक्चर कर दिया एक बार, यानी कि इसका सील ब्रेक कर दिया, तो आपको इसे 1 मंथ के अंदर यूज करके खत्म करना ही है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे पंक्चर कर रहे हैं तो इसके अंदर का लिक्विड, इस बॉटल के अंदर का लिक्विड एक्सपोज हो रहा है एक्सटर्नल एयर को, तो इसमें जर्म्स इंसर्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो कंटेमिनेशन शुरू हो चुका है, राइट। तो ऐसे केस में 1 महीने बाद भी अगर थोड़ा भी लिक्विड बचा है तो हमें उस पूरी बॉटल को डिस्पोज कर देना है स्ट्रेट अवे, नहीं तो हो सकता है कि वो कंटेमिनेशन आपकी आंखों को इन्फेक्शन दे जाए। एंड द सेकंड थिंग इज, जब भी आप इसे यूज कर रहे हो तो आपका कोई भी बॉडी पार्ट इसके नोजल पर टच होना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके बॉडी पार्ट, आपके पूरे स्किन पर ढेर सारे जर्म्स होते हैं जो पैथोलॉजिकली सही नहीं होते, तो उसका इन्फेक्शन इस लिक्विड प्रिपरेशन को कंटेमिनेटेड कर सकता है, जो कि आपकी आंखों में इसे यूज करने के बाद इन्फेक्शन दे सकता है। इसीलिए इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना है। वैसे तो मार्केट में डजन्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो इनका प्रोडक्शन आज कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी आपको 100 रुपए के नीचे ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करके देती। इसका प्रोडक्ट रेंज है वो 100 रुपीज से लेके 200 रुपीज तक वेरी करता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी। तो या ये प्रोडक्ट है एक्सपेंसिव, लेकिन एक्सपेंसिव है तो है, अब क्या बोल सकते हैं।
सबसे आखिर मैं यही बताना चाहूंगा कि कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आपके आंखों के लिए सच में एक अमृत के बराबर है। आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करके इसे आज से यूज करना बिंदास शुरू कर सकते हो। और आज का हम ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हाय फाइव।